बड़ी हाइप मेरी फिर बिना फ्लेक्स करे, पीठ पीछे बोलने वाले भी आज टेक्स करे, करे कर पूरा मन से कसम से, सुनने वाले भी हमें रिस्पेक्ट करे। वो भी टाइम था कोई ना सपोर्ट था, घर के ओर से भी पढ़ने का लोड था, मैं भी बोल था रैप पे भी होल था, खुद पे भरोसा पूरा कंट्रोल था, डर था क्या समझेंगे लोग, घर वालों की नजर में बन गया था बोझ, पर जब देखा मैंने जो करता हूँ मैं रोज, जगह नाम का साथ और साथ मेरे दोस्त, कुछ की जल्दी क्यों ये बंदा आगे जा रहा, वक्त में आज होगा सबके मुंह पे लाफ हमारा, ओ यार रहन दिए तेरे बस की बात नहीं, सीखना चाहता है चला जा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भाई बहुत टैलेंट है। मेरे चैनल पे एटलीस्ट जितने ड्रैगन आर्म हैं एंड जितने लोग हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जाके ओरिजिनल गाने को जरूर से देखें एंड ओरिजिनल चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दे, सपोर्ट दे। हे पीपल, व्हाट्स अप, कैसे हो आप लोग, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाली हूँ एमसी मुस्तैब के न्यू ट्रैक पे। बहुत टाइम के बाद मैं एमसी मुस्तैब का कोई ट्रैक सुनने वाली हूँ। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस बिकॉज भाई का एक सॉन्ग मैंने सुना था आमिर माजिद के साथ, ट्रैक का नाम था हाइप एंड उस गाने को ओ माई गॉड एमसी मुस्तैब अलग ही लेवल पे लेकर चले गए थे गाने को, बहुत ही ज्यादा फाड़ बन गया था वो गाना। एंड स्टैग जी भाई का म्यूजिक तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता ही है, तो इस वजह से वो ट्रैक बहुत ही ज्यादा मेरे दिल के करीब है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो ट्रैक सुनना। बट ये इस बार जो है 2023 का न्यू ट्रैक है पाजी का एंड ये उनकी इंडिपेंडेंट चैनल से आया है। गाने को गाया है एमसी मुस्तैब ने, लिखा भी एमसी मुस्तैब ने एंड मिक्सिंग मास्टरिंग भी उन्होंने ही की है। सिनेमाटोग्राफी जो है वो के मल्होत्रा जी का है, जो कि ट्राई म्यूजिक लेवल के गाने भी बनाते हैं, सिनेमाटोग्राफी या डायरेक्शन जिसको कह सकते हैं, डायरेक्टर साहब है हमारे। कंसेप्ट जो है एमसी मुस्तैब भाई का ही है एंड असिस्टेंट डायरेक्टर प्रेरणा शर्मा, ओके असिस्टेंट डायरेक्टर प्रेरणा शर्मा जी हैं एंड कैमरा क्रू दानिश मीर, कुछ इस तरह की इनकी क्रू है एंड काफी ज्यादा अमेजिंग मुझे लग रहा है क्योंकि ट्राई म्यूजिक लेवल पे के जितने भी गाने हैं सारी यही क्रू मैनेज करती है। तो ट्राई म्यूजिक लेवल पे जो गाने का क्वालिटी जो जिस तरह की हमें देखने को मिलती है सेम टू सेम यहाँ देखने को मिलेगी, मुझे ऐसा उम्मीद है। मैंने अभी तक सॉन्ग सुना नहीं है, साथ में सुनते हैं एंड उसके बाद मैं बताऊंगी कि मुझे कैसा लगा एंड होल सम जितनी सारी बातें होंगी सब लास्ट में करूंगी, मैं बताऊंगी हर चीज। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना, सारे कमेंट मेरे जानने के लिए कि कैसा लगा मुझे गाना, पहले ही छोड़ के मत चले जाना, रिएक्शन देख के आप लोग बस छोड़ देते हो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो मेक श्योर आप चैनल सब्सक्राइब करो इसी तरह के अमेजिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए। एमसी मुस्तैब मेरे बहुत ही ज्यादा फेवरेट है, एम ए शेख, एमसी मुस्तैब, मेरे को ये सारे लोग बहुत पसंद है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आमिर माजिद के जितने भी फैंस हैं एंड जितने भी लोग एमसी मुस्तैब को सुन चुके हैं एंड उनको बहुत ही प्यार करते हैं, कमेंट में जरूर से बताना, वीडियो को पहले ही लाइक कर दो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड उसके बाद फिर करेंगे बाकी की बातें। ओके एमसी मुस्तैब ऑफिशियल, last but not least, I want to thank me. I want to thank me for believing in me. I want to thank me for doing all this hard work. I want to thank me for having no days off. दिन बाद आज फिर से माइक पे बहुत प्यार, आई नो सबको हाइप से, वक्त लगा काफी दिनों बाद आया गाना, क्या करूं भाई बिजी लाइफ है, कभी प्यार मिला आपसे मैं कहता हूं शुक्रिया मुझे यहाँ लाने तक, यहाँ लाने मेरे दिल से मैं कहता रहूंगा बहुत प्यार मेरे मर जाने तक। मेरे भाई मेरा साथ दी, मैं रियल ओजी जो डे से साथ, मेरे आवाम भी थी कई आए गए ट्राई किए बने वाना बी, यू नो मेहनत वही मास्टर थी, मुझे परवाह नहीं मुझे हेट करे या जो इमिटेट करे, मेरे गाने आने पे वही ज्यादा वेट करे, वही इरिटेट करे, मैं उठा हूँ जमीन से आसमां है घर, मेरा बहुत देखा दुनिया में झुका बिना सर, मेरा खुद से ही खुद के मैं गम से भी लड़ चुका बन चुका, जो भी हूँ मैं दुश्मन को डर मेरा, मुझे परवानी मेरे बारे जो भी कहो, मुझे परवानी चाहे मुझे हेट करो, वेट करो गाना अप्रिशिएट करो, हर एक आर्टिस्ट को तुम एलिवेट करो, एलिवेट करो। क्या बात है, पावरफुल लिरिक्स। बड़ी हाइप मेरी फिर बिना फ्लेक्स करे, पीठ पीछे बोलने वाले भी आज टेक्स करे, करे कर पूरा मन से कसम से, सुनने वाले भी हमें रिस्पेक्ट करे। वो भी टाइम था कोई ना सपोर्ट था, घर के ओर से भी पढ़ने का लोड था, मैं भी बोल था रैप पे भी होल था, खुद पे भरोसा पूरा कंट्रोल था, डर था क्या समझेंगे लोग, घर वालों की नजर में बन गया था बोझ, पर जब देखा मैंने जो करता हूँ मैं रोज, जगह नाम का साथ और साथ मेरे दोस्त, कुछ की जल्दी क्यों ये बंदा आगे जा रहा, वक्त में आज होगा सबके मुंह पे लाफ हमारा, ओ यार रहन दिए तेरे बस की बात नहीं, सीखना चाहता है चला जा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भाई बहुत टैलेंट है। ओह या
क्या बात है भाई। Peace, love and respect. To every artist. Peace. Jammu and Kashmir and all over India. Peace out. One love. Peace out. MC Masab. भाई साहब, what a attitude. इसी एटीट्यूड की जरूरत है भाई। बीट पे जो गाना उन्होंने बैठाया, जो लिरिक बैठाए, वो इतनी ज्यादा पावरफुल, एकदम पावर पैक एंड एकदम कनेक्ट कर रहे थे। क्या एटीट्यूड कैमरे पे जो दिख रहा था भाई, कैमरे पे मतलब एकदम रियल ओजी वाला फील आ रहा था गाने में। इतना अच्छा टैलेंट है आपके पास, आप किसी और चीज के लिए नहीं बने हो। मैं तो ये बोलूंगी कि आप किसी और चीज के लिए नहीं बने हो, आप सिर्फ रैप के लिए बने हो। रैप इंडस्ट्री आपके लिए है एंड आपके पास अल्टीमेट टैलेंट है, तो वेस्ट मत करना। इसी तरह की चीजें करते रहो, इसी तरह के गाने बनाते रहो एंड हम लोग बिल्कुल सपोर्ट करेंगे आपको, बिल्कुल ही हम लोग सपोर्टिव हैं आपके तरफ। एंड ड्रैगन आर्म क्या कहते हो कि भाई अच्छा कर रहे हैं या नहीं, तो ड्रैगन आर्म से भी सपोर्ट है आपको। जितना भी मेरे चैनल पे एटलीस्ट जितने ड्रैगन आर्म हैं एंड जितने लोग हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जाके ओरिजिनल गाने को जरूर से देखें एंड ओरिजिनल चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दे, सपोर्ट दे। एंड हमारे जो डायरेक्टर जी का काम था वो भी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। दानिश मीर का भी काम काफी ज्यादा अच्छा है, वीडियो देखने में भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, मजा आ रहा था। इसी तरह के और भी अमेजिंग गाने बनाते रहो। डबल थम्स अप इस गाने को एंड डेफिनेटली से हिट गाना है एंड हिट जाने वाला है। पर आप लोग बताना कमेंट में आप लोग कैसा लगा ये गाना एंड कैसा लगा लिरिक्स, पावरफुल था कि नहीं लिरिक्स। भाई मेरे को तो बहुत पावरफुल लगा, मेरा रिएक्शन ये था। एंड आप लोग बताओ कमेंट में कि आप लोग कैसा लगा रिएक्शन। अगर अच्छा लगा हो डेफिनेटली से वीडियो को एक लाइक करना है एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो सपोर्ट करो गाइस। मैं जल्दी से मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करने वाली हूं अपने ब्लॉगिंग चैनल पे, तो जल्दी से सपोर्ट करो। मैं बाइक खरीदने वाली हूं, ब्लॉग चैनल का ये रहा नाम एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो जाके जरूर से देख लेना एक बार एंड सब्सक्राइब करके रखो चैनल को। जैसे ही 1K कंप्लीट होंगे मैं बाइक खरीद लूंगी एंड मैंने स्टार्ट कर देना है मोटो ब्लॉगिंग। एंड वेस्ट बंगाल से एक फीमेल मोटो ब्लॉगर निकलने वाली है। मुझे मोटो ब्लॉगिंग बहुत पसंद है आमिर भाई एंड बहुत सारे लोगों को देख के मुझे भी मन करता है मैं भी करूं, बट मेरे को इनफ सपोर्ट चाहिए भाई आप लोगों का, तो जरूर से सपोर्ट करना। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह से प्यार सपोर्ट बनाए रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।